भारत के सभी कृषि विक्रेता बंधु, मैं माधव धांडे, सलाहकार नाथ बायोजेन इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र। कोरोना के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, लगभग 40 दिन से हमारे सभी व्यवसाय ठप हैं, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे पंतप्रधान साहब से लेके आम जनता तक ये मालूम है कि भारत उन्नति करेगा तो खेती से ही। इसलिए सरकार का, जनता का मनोबल लगभग तैयार हुआ है कि कृषि निविष्ठा की कहीं कमी ना आए, किसानों को समय पे मिले, हमारे कृषि सेवा केंद्र वाले उनको उपलब्ध करा दें। भाइयों, कोरोना भारत के बहुतांश जिलों में कम हुआ है, रुख गया है, लेकिन निकल नहीं गया। कुछ जिले तो ऐसे हैं कि अभी भी कोरोना ग्रस्त है, जिसको कि हम रेड जोन बोलते हैं या कंटेनमेंट एरिया बोलते हैं, वहाँ तो आज भी कामकाज नहीं हो सकता। लेकिन ये बड़े शहर है जहाँ खेती से संबंधित बहुत ज़्यादा क्रय विक्रय नहीं होता है, लेकिन जिलो स्तर पे, तालुका लेवल पे, गांव लेवल पे हमारे कृषि विक्रेता है और वहाँ कोरोना क्यों न हो, लेकिन अभी रुक गया है, निकल नहीं गया, और उसको रोक के रखना है और धीरे धीरे बाहर निकालना है। भारत जरूर जीतेगा, भारत सरकार बहुत जीतेगी। अभी हमें अनुमति तो दी है या सरकार देने वाले है कि कृषि सेवा केंद्र अपनी दुकान खुली करे और बीज, फर्टिलाइजर्स ये किसानों को उपलब्ध करे। लेकिन हमारे किसानों की और हमारी आदत है, जैसे ही बारिश होती है तो झुंड के झुंड दुकान पे आएंगे। गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी, अनुमति दी, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब दो ग्राहकों के बीच में, दो आदमियों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 मीटर का अंतर रहेगा तो कोरोना रुकेगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। हमारी खेती तो रुक नहीं सकती, बीज लेना ही है, फर्टिलाइजर लेना है, लेकिन हमें गाँव में कोरोना नहीं फैलाना है, हमारे किसानों में कोरोना नहीं फैलाना है। तो ये जन जागृति करना बहुत जरूरी है और इसलिए आप कृषि सेवा केंद्र का योगदान बहुत जरूरी है। ये कैसा करें तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से दुकान खोलें। अपने दुकान में 2 काउंटर है, 1 काउंटर है, 3 काउंटर है, ये लोग कम से कम 2 मीटर की अंतर पे बैठे, मास्क लगा के बैठे, और जो भी ग्राहक आता है उनको एक कूपन दे दे कि भाई ये आपका टोकन नंबर है, मैं यहाँ से टोकन नंबर पुकारूंगा तो आपने आना, आपको जो भी बीज लगता है, जो भी खाद लगता है उसको ले जाओ, फिर दूसरे कस्टमर को बुलाएंगे। मेरे ख्याल से ये सोशल डिस्टेंसिंग यदि आप रखेंगे, और रखना जरूरी है, यदि नहीं करोगे किसानों का झुंड आएगी, आप बिल बनाते रहेंगे हमेशा की तरह, तो पुलिस वाले बेचारे आएंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे, 1 दफ़े करेंगे, 2 दफ़े करेंगे, बाद में आपको नोटिस दे देंगे कि भाई साहब आप अपनी दुकान 3 दिन के लिए बंद रखिए। हमारा सीजन ही तो 10-15 दिन का होता है, उसमें 3 दिन यदि आपकी दुकान बंद रहेगी तो हमारे व्यवसाय का क्या होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, खत और बिया प्रण यानी कि बीज कंपनियों की तरफ से, शासन की तरफ से मैं आपको विनती करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से बीजों की प्रक्रिया, खतों का निर्माण, खतों की आवाजाही, ये सारा ही बंद है। तो हो सकता है कि बारिश जल्दी आ जाए तो इसकी थोड़ी सी मात्रा कम भी पड़ेगी। इसलिए किसानों को मैसेज दे कि वो जल्दी से नियोजन करे, आग भी ठीक से नियोजन करे। नाथ के बीज जैसे कि धान बीज 509, पंचरत्न कॉटन, जलवा कॉटन, प्रॉफिट कॉटन, ये सारा हम आपको समय सर और गांव लेवल तक के, रिटेलर लेवल तक के पहुंचाने की कोशिश जरूर जरूर करेंगे। मेरी फिर से विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को सीरियसली ले और उसका अमल करें, ताकि हमारा भारत बच जाए और हमारी खेती फले फूले और भारत को आर्थिक संकट से दूर निकाले। धन्यवाद।